हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8। गिवन है यहाँ पे फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x - 7। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने लिया है क्लास 9 आरएस अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स की बुक से, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 3। ये एग्जाम्पल गिवन है फ्रेंड्स पेज नंबर 128 में, क्लास 9 की बुक आरएस अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स की। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनको हमने इसके पहले वीडियोस में अपलोड किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम सॉल्व करें एग्जांपल नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x - 7। तो फ्रेंड्स इसे हमें इस प्रकार से सेट करना कि थोड़ा सा हमें कुछ आइडेंटिटी जो है इम्प्लीमेंट हम कर सकें ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं अगर हम प्लस 1 कर लें देन ये जो इतना हिस्सा है क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a² b + 3b² + b³। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन पहले हमें इसे बैलेंस करना है। हमने यहाँ पे प्लस मैन 1 किया तो हमें -1 भी करना है, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बच गया, -7, और प्लस 1 किया था इसके लिए हमने -1 कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर हम इस पूरे इक्वेशन को देखें तो प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग बच जाएगा सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो प्लस 1 -1 किया है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1, इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें ए क्यू प्लस 3a² b, इस फॉर्म में अगर इसको लिखें तो 3a² मतलब x² * b, b मीन्स क्या है 1, प्लस 3ab² तो 3 × x × b² मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3x × 1² 3x ही आएगा एंड 3x² × 1 3x² ही आएगा एंड यहाँ पे -7 और -1 क्या हो जाएगा, -8। तो इसे हम रीअरेंज करके अब क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा ये पूरा हिस्सा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 है तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी हो गया सॉल्व करने के लिए, a³ - b³ सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है a+b का होल क्यूब। ये हमने सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ, जहाँ a की जगह क्या था, यहाँ x था और b की जगह क्या था 1। एक आइडेंटिटी हो गई, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a³ - b³ वाली। इसके लिए क्या हो जाता है, पहले हम पढ़ चुके हैं a - b (a²) + ab + b² ये हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स a की जगह में क्या पुट करना है, x + 1 एंड b की जगह में क्या पुट करना है, 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट करना है एक्सपांशन में और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले x + 1 - 2 (a² मतलब x + 1² + ab मीन्स x + 1 (2) एंड प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हम ब्रैकेट पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे x + 1 - 2 क्या जाएगा, x - 1 (x + 1² मीन्स a+b² क्या हो जाता है। यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं, a+b² इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b². यहाँ पे a की जगह क्या हो, x और b की जगह क्या है 1, ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, x² + 1 + 2x। ओके, a² + b² + 2ab मीन्स 2 × x × 1 = 2x, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, x + 1 × 2 तो 2 × x 2x + 2 × 1 2 + 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे अब, x - 1 (x² एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाला टर्म यहाँ पे 2 है, 2x + 2x 4x हो गया, 2 + 4 6 + 1 7, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे
हमारा आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में। एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और भी इस तरीके के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।